क्वेश्चन है रूट थ्री प्लस आई को हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म क्या होगा इसका? पोलर फॉर्म का मतलब है एक्सप्रेशन ए प्लस आई बी को अब रिप्रेजेंट किया जाए आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में, ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो सबसे पहले अब हम आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं, मॉडुलस वैल्यू आर तो निकाल लेते हैं। हमने ये देखा कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट होगा थीटा टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो इसे जब ए प्लस आई बी से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी रूट थ्री और बी की वैल्यू आएगी वन। तो ए की वैल्यू है हमारे पास रूट थ्री और बी की वैल्यू है वन। तो आर्ग्यूमेंट थीटा, आर्ग्यूमेंट हम थीटा से लिख रहे हैं, टैन इनवर्स बी वन मॉड और ए रूट थ्री मॉड। अब ऑलरेडी दोनों पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? tan inverse 1 by root 3, इसको क्या लिखेंगे? tan inverse tan 1 by root 3, tan 30 की वैल्यू। अब पाई रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई by 6, हमारे पास क्या आ गया? पाई by 6, क्या आ गया इसका? थीटा आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट थीटा इज पाई by 6। अब यहाँ पर हम इसकी मॉडुलस वैल्यू निकाल लें तभी तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आर्ग्यूमेंट आर क्या होगा? सॉरी, मॉडुलस वैल्यू ऑफ आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए की जगह पर है रूट थ्री और बी की जगह पर है वन, तो अब एक्सप्रेशन क्या होगा? रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, कितना हो जाएगा? फोर। तो जो पोलर फॉर्म हो गया वो कितना हो गया? ये है पोलर फॉर्म, और पोलर फॉर्म यहां लिखें तो 2 cos pi by 6 i sin pi by 6, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन।